एक पूर्णिमा की रात जब मैं आकाश में चांद को देख रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि अगर हमारा घर चांद पर होता तो क्या होता। और जिस तरह हम अपने पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं, तो एक दिन शायद हमें चांद पर ही रहना पड़े। तो अगर हम चांद पर रहने लगे तो क्या चांद पर दिन और रात होंगे? देखिए, धरती पर दिन तब होते हैं जब धरती का वो हिस्सा जिस पर हम रह रहे हैं वो सूरज की तरफ होता है। अब क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है तो कुछ समय बाद ये हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ चला जाएगा और तब वहां पर रात होगी। तो अब हमें ये खोजना है कि चांद भी क्या अपनी धुरी पर घूमता है, क्योंकि धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं। अब आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि चांद पर एक बूढ़ी औरत चरखा काटती है। जब भी हम चांद को देखते हैं तो हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखता है, वो हिस्सा जिस पर बूढ़ी औरत है। दूसरा हिस्सा कभी नहीं दिखता। इस दूसरे हिस्से को चांद की डार्क साइड भी कहते हैं। तो दूसरा हिस्सा हमें क्यों नहीं दिखता? दिखना तो चाहिए, क्योंकि चांद धरती का चक्कर लगाता रहता है। कल्पना कीजिए कि चांद धरती से बंधा हुआ धरती के चक्कर लगा रहा है। अब चांद का एक हिस्सा हमेशा धरती की तरफ होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे अंतरिक्ष यान भी धरती के चक्कर लगाते हैं। अब ये तो साफ है कि चांद धरती के चक्कर लगा रहा है, पर क्या वो अपनी धुरी पर भी घूम रहा है? हाँ, बिल्कुल। चांद की स्थिति में चांद का सफेद हिस्सा आपकी ओर है और चांद के काले धब्बे या ज्वालामुखी धरती की ओर है। धरतीवासियों को चांद के ये काले धब्बे ही दिखते हैं। अब जैसे चांद धरती का आधा चक्कर लगाता है तो ये काले धब्बे अब घूमकर आपकी ओर आ जाते हैं। धरतीवासियों को अब भी यही काले धब्बे दिख रहे हैं और ये धब्बे फिर से घूमकर आपसे दूर हो जाते हैं। तो इससे साफ दिखता है कि चांद अपनी धुरी पर भी घूमता है, कुछ इस तरह से जिससे धरतीवासियों को हमेशा चांद के काले धब्बे ही दिखाई दे। यहां आश्चर्यजनक बात यह है कि चांद को धरती के चारों तरफ जाने में और अपनी धुरी पर घूमने में बराबर समय लगता है, 28 दिन, और इसे सिंक्रोनस मोशन भी कहते हैं। और इसी के कारण चांद का एक हिस्सा हमसे हमेशा छुपा रहता है और हम एक ही हिस्से को देख पाते हैं। चांद का एक हिस्सा छुपे होने का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण भी है, वो ये है कि चांद की धुरी बिल्कुल सीधी सिर्फ 1.6 डिग्री टेढ़ी है, जबकि धरती की धुरी 23.5 डिग्री टेढ़ी है। और इस बात का महत्व आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए चांद की धुरी 90 डिग्री टेढ़ी होती कुछ इस तरह, तो चांद अपनी धुरी पर इस तरह घूमता। और अब चांद के धुरी पर घूमने की गति चाहे कितनी भी हो, धरती का आधा चक्कर 14 दिन में लगाने के बाद चांद का पिछला हिस्सा धरती से पूरा साफ दिखेगा और चांद की डार्क साइड नहीं होगी। यानी धरती को चांद का एक ही हिस्सा दिखने के लिए दो कारण आवश्यक हैं, पहला सिंक्रोनस मोशन और दूसरा चांद की धुरी लगभग 0 डिग्री टेढ़ी है। तो हमने देखा कि चांद अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरे 28 दिनों में लगाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका एक हिस्सा 14 दिनों तक सूरज के सामने और 14 दिनों तक सूरज के पीछे होता है। तो चांद पर दिन और रात होंगे और 14 दिनों के होंगे, 14 दिन का दिन और 14 दिनों की रात। पर जब इस तरह धरती चांद और सूरज के बीच में आ जाएगी तो चांद से सूरज नहीं दिखेगा और चंद्रवासियों के लिए सूर्य ग्रहण होगा। धरतीवासियों के लिए स्थिति में चांद नहीं दिखेगा और धरतीवासियों का चंद्र ग्रहण होगा। और सोचने वाली ये बात भी है कि हम धरतीवासियों के ग्रहण फिर 28 दिनों में क्यों नहीं होते? ये एक बढ़िया सवाल है और इसका जवाब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने देखा कि चांद पर दिन रात होते हैं या नहीं, कितने बड़े होते हैं और चांद के एक हिस्से छुपे रहने का राज यानी डार्क साइड का राज क्या है। धन्यवाद।